हेलो बच्चों, अपनों ने प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर्स थे उसके अंदर अपनों ने ह्यूमंस के अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का जो सर्कुलेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, तो वो अपनों ने डिस्कस कर लिया था कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, ये दो सिस्टम्स थे जिनके थ्रू अपनी पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का क्या होता है, सप्लाई किया जाता है, ठीक है, जितने भी वेस्ट है उनको रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो वैसा ही कुछ प्रोसेस क्या होता है अपने प्लांट्स के अंदर भी होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स आज अपने पढ़ेंगे, ठीक है, कि प्लांट्स में किस तरह से जो फूड है या आपको बताया उनकी जो मोस्ट रिक्वायरमेंट होती है जिन चीज़ों की, वो है उनके वाटर, और जो जितना भी फूड स्टफ्स लीव्स प्रिपेयर करती हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट के अंदर कैसे पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो वैसे तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, राइट। तो जाइलम एंड फ्लोएम ये दो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जिनके, और ये ध्यान रखेंगे कि जाइलम एंड फ्लोएम जो है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं, ठीक है, परमानेंट टिश्यूज हैं ये, ठीक है। जब नाइन्थ क्लास में अपनों ने पढ़ा था तो वहां पे अपनों ने डिस्कस किया था कि जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, दे आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, राइट, परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये, ठीक है। चलिए, तो जाइलम क्या करता है, देखिए जाइलम जो होता है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, और आपका जो फ्लोएम होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि जाइलम जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है, पैसिव मतलब, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और ध्यान देंगे ये जो फूड होता है ये एक्टिवली मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इनका। अब ध्यान देंगे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ठीक है। देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर मतलब एनर्जी का अपने यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी का इस्तेमाल जहां नहीं होता है वो क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जहां पे अपने एटीपी यूज करके, एटीपी यूज करके कोई भी वर्क कर रहे हैं वो क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो फूड जो प्रिपेयर होता है, ठीक है, वो एटीपी का यूज करवा के क्या है, पूरी प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसको, ठीक है। और फूड को जो ट्रांसपोर्ट करने का, जो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन, ठीक है, क्योंकि एक जगह बनता है और उसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे पहुंचाते हैं, ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन। चलिए, और जो वॉटर होता है, ठीक है, वाटर को क्या किया जाता है, हमेशा ऑलवेज क्या करेंगे, आपके रूट से लीव्स तक मतलब अपर बॉडी जो है प्लांट की उस तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, तो लीव्स तक पहुंचाया जाता है। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, रूट से जाइलम वेसल्स के थ्रू जब अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की तो उसे बोला जाता है एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप, सैप मतलब फ्लूड हो गया एक तरह से, तो उसका ऊपर चढ़ना, ठीक है, जो फ्लूड है, जो रस है उसका ऊपर चढ़ना, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, एसेंट ऑफ सैप। चलिए और इसको पढ़ते हैं कि जाइलम और फ्लोएम क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है उसके अंदर अपने पढ़ते हैं वॉटर जो होता है वो किस तरह से क्या होता है प्लांट बॉडी के अंदर मूव करता है, ठीक है। देखिए वाटर के लिए अभी अपनों ने देखा क्या है, जाइलम इंपॉर्टेंट होता है। तो जाइलम जो होता है वो किन किन चीजों का बना होता है वो अपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा हुआ है कि जाइलम जो टिश्यू है आपका, जाइलम जो टिश्यू होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है आपके, चलिए मैं लिख देता हूं सीधा, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, ये लिविंग टिश्यूज होता है, ये लिविंग होता है आपको पता है, लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ट्रैकेट्स और जाइलम वेसल्स, राइट। तो ये चार टिश्यू होते हैं जाइलम के अंदर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनकी मैकेनिज्म की, कि कोई जो प्लांट के बॉडी के अंदर है वो वाटर कैसे ऊपर चढ़ता है, ठीक है, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनके अंदर कैसे चढ़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं
ये आपकी जाइलम वेसल्स हैं, ठीक है। ये जो ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका स्टेम हो गया, ठीक है। स्टेम के बीच में क्या होता है, आपकी जो जाइलम वेसल्स है वो है, ठीक है। ये आपकी रूट्स हैं। अब देखिए यहां पे आपके देखिए रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, आपको पता होगा जब भी आपने रूट देखी होगी तो उस पर बहुत छोटे 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 फाइन क्या होते हैं, फाइन ऐसे रूट हेयर्स निकले हुए होते हैं उसकी पूरी स्ट्रक्चर के ऊपर, राइट। मतलब इस तरह से अगर मैं रूट का ऐसे क्रॉस सेक्शन निकालता हूँ तो आपको इस तरह से रूट हेयर्स निकाल दिखाई देते हैं उसके किनारों पे, और बीच में क्या होता है इस तरह से जाइलम वेसल्स होंगी, ठीक है। अगर क्रॉस सेक्शन काटेंगे किसी भी रूट का इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो देखें क्या होता है, अब इसकी जो है ना स्ट्रक्चर है वो देखते हैं अपने। सपोज आपको पता है कि आपका जो वाटर है वो यहाँ से एब्जॉर्ब होगा इन रूट हेयर्स के थ्रू, ठीक है, और वो इस तरह से लेटरली क्या होता है एब्जॉर्ब होता जाएगा, और यहाँ से देखिए यहाँ से क्रॉस करता हुआ सेंटर तक पहुँचेगा इस तरह से। ये रूट हेयर है तो रूट हेयर से एब्जॉर्ब होगा पानी, और एब्जॉर्ब होके कहाँ होगा, जाइलम वेसल्स तक जाएगा, जाइलम टिश्यू तक पहुँचेगा, और टिश्यू में पहुँचने के बाद पुल होता है, ठीक है। तो अब देखें ये बात बाद में करेंगे, इसको अपने बाद में देखेंगे। तो ये होता है लेटरल एब्जॉर्प्शन जो अपना है, ठीक है। अब सपोज आपका जो वाटर है वो कहाँ आ गया, जाइलम वेसल के अंदर आ गया, ठीक है। ये रहा जाइलम वेसल में पानी, तो ध्यान देंगे कि देखो ये वाटर मॉलिक्यूल है, फिर एक वाटर मॉलिक्यूल है, फिर एक वाटर मॉलिक्यूल है इस ट्यूब के अंदर, राइट। अब देखिए क्या कैसे वाटर जो है वो मूव करता है, राइट। आपको पता है यहां पे क्या है हमारा सन। अब देखिए क्या हो, सनरेज जब भी गिरती हैं, ठीक है, तो आपको पता है क्या होता है, एक प्रोसेस होती है क्या कि प्लांट के जितने भी एरियल पार्ट्स हैं, ठीक है, तो उन एरियल पार्ट से क्या होता है, वेपर की फॉर्म में, वाटर का वेपर की फॉर्म में जितने भी प्लांट के एरियल पार्ट्स हैं लाइक उनकी जो लीव्स वगैरह हैं, ठीक है, उनसे वाटर की वेपर की फॉर्म में क्या होता है, वाटर लॉस होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को आप पता है क्या कहते हैं, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन, राइट। ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है। तो जब यहां से वाटर क्या होगा आगे मूव करेगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जैसे अपने स्ट्रॉ के अंदर पानी पीते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कोई भी जूस वगैरह पीते हैं या स्ट्रॉ से पानी पीते हैं, तो जैसे ही अपने उसको इनटेक करते हैं तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जब पुल होते हैं, जब एक वाटर मॉलिक्यूल अप आपने उसको सक करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही अपने उसको ऊपर पुल करेंगे तो क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, कभी ऐसा थोड़ी ना होता है कि अपनों ने पानी पिया और वो बीच में ही रह जाता है, फिर दोबारा अपने को इनटेक करना पड़ता है उसको, नहीं होता ना। क्या होता है, एक बार जब अपने कंटिन्यू पीना चालू करते हैं, ठीक है, उसे, तो क्या होता है, कंटिन्यू वाटर की जो पूरी स्ट्रीम बन जाती है, ठीक है, तो एक चेन की तरह वाटर मॉलिक्यूल्स खींचते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे आपने यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को क्या किया, पिया, जैसे मान लो ये सन है तो सन ने क्या लगा रखा है, स्ट्रॉ लगा रखा है मान लो यहाँ पे, तो ये पानी को अगर जब पिएगा तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल जब आगे आएंगे तो ये पीछे वाले वाटर मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, पुल करते हैं, इस तरह से, ठीक है। और जब ये ऊपर की तरफ में इनको पुल करते जाते हैं तो देखिए ये आगे वाले को खींचेगा, ये फिर आगे वाले को, ये इससे आगे को, ये इससे आगे को, और इस तरह से क्या होता जाएगा, यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसे क्या होंगे, अपवर्ड ही क्या होंगे, पुल होंगे, ठीक है। इस जो टर्म है इसको अपने बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल, ठीक है। और जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है, ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं क्या, कोहेसिव बॉन्ड या कोहेसिव टेंशन, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो
आपस में क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, राइट। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड होता है। जैसे ही एक मॉलिक्यूल को ट्रांसपिरेशन की पुल की तरह से आगे, जैसे ट्रांसपिरेशन पुल होगा, मतलब पुल का ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी, तो वो वाटर वेपर की फॉर्म में क्या होगा, वाटर रिमूव होगा प्लांट से। जैसे ही वो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, उसकी जो स्पेस है उसको नेक्स्ट जो वाटर मॉलिक्यूल है वो पुल करेगा। जैसे ही ये जाएगा तो ये आगे वाले को पुल करेगा, ये नेक्स्ट को, इस तरह से क्या होता है, एक पुल क्रिएट हो जाता है, एक चैन क्रिएट हो जाती है। जैसे ही एक मॉलिक्यूल आगे जाता है तो वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल को पुल करके लेके आता है साथ में, ठीक है। तो इनके बीच में कोहेसिव बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो जब एक मॉलिक्यूल निकलेगा तो सेकंड वाला उसको कवर करेगा, राइट। तो ध्यान देंगे जो बहुत लंबे लंबे जो टॉल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपने देखे होंगे जब रास्ते में जाते हैं तो व्हाइट कलर के जो ट्रीज होते हैं काफी लंबे होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर क्या होता है, डे टाइम के अंदर जब ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन आपको पता है भाई, ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर लॉस होता है, ठीक है, तो एक बुराई है ये। बट तो लेकिन ट्रांसपिरेशन अगर नहीं होगा तो ध्यान रखेंगे कि ट्रांसपिरेशन के बिना वाटर भी क्या होगा, एब्जॉर्ब या पुल ऊपर तक पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन है वो एक पुल क्रिएट करता है, जिसकी वजह से लॉन्ग जितने भी टॉल प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या होता है, वाटर ऊपर मूव करता है, उनमें ट्रांसपोर्टेशन जो वाटर का होता है वो ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे दो चीजें हैं, ट्रांसपिरेशन जो थ्योरी है, ट्रांसपिरेशन की वजह से लगभग 90% ऑफ वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स के अंदर, समझ गए। यहां से जैसे ये पुल करेगा तो नेक्स्ट जो होगा उससे क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब होता जाएगा यहां से, क्लियर। तो स्ट्रॉ वाला एग्जांपल आप याद रखें, जैसे ही आप पानी पीते हैं तो एक स्ट्रॉ की तरह काम कर रहा है, तो क्या होता है कि जैसे आप पानी को सक करेंगे, ठीक है, आप पियेंगे, इंटेक करेंगे, तो एक मॉलिक्यूल कंटिन्यू जैसे ही आता है तो ऐसा नहीं होता कि दूसरा मॉलिक्यूल के लिए अपने को दोबारा से पीना पड़ेगा, अपने कंटिन्यू उसको ड्रिंक करते हैं जब तक पानी आता जाएगा, राइट। वैसे ही सेम यहां पे होता है कि जैसे ही सन जो है, सन भी क्या कर रहा है, एक तरह से स्ट्रॉ लगा के पानी पी रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में, यहाँ पे इवेपोरेशन जब हो रहा है, वेपर की फॉर्म में जब ये इवेपोरेट हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल को पुल करते हैं, इसे अपने बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है कोहेसिव बॉन्ड। और वाटर मॉलिक्यूल्स का ऊपर चढ़ना क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको, एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। तो ये एसेंट ऑफ सैप होता है, इसकी जो थ्योरी है सबसे मेन कि वो है 90% जो वाटर है वो ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से क्या होता है, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू जाइलम वेसल्स, समझ गए। चलिए अब देखेंगे ये वाला पोर्शन, ठीक है। देखिए ये पैसिव, बिल्कुल पैसिव प्रोसेस है, ठीक है, इसमें कोई भी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बिल्कुल पैसिव प्रोसेस है। अब एक और चीज ध्यान देंगे, जो 10% बचा हमारा, हमने 90% यहां पे बोला, तो जो 10% है वो ध्यान देंगे, एक थ्योरी है रूट प्रेशर थ्योरी, कहने का मतलब हमारी जो रूट्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, प्रेशर क्रिएट करती हैं, अपवर्ड प्रेशर क्रिएट करती है। और इस अपवर्ड प्रेशर के थ्रू क्या होता है, जो छोटे प्लांट्स होते हैं, कुछ हर्ब्स होती हैं, ठीक है, हर्ब्स मतलब झाड़ियां टाइप, उनके अंदर क्या होता है, या घास देख लीजिए आप, उनमें पानी क्या होता है, ऊपर मूवमेंट करता है, क्योंकि बहुत कम प्रेशर होता है, ठीक है। तो रूट जो प्रेशर लगाती है उनसे कुछ 10% जो वाटर है वो रूट्स प्रेशर की वजह से भी ऊपर चढ़ता है, ठीक है। ये स्मॉल प्लांट्स में होता है, जनरली हर्ब्स वगैरह के अंदर, ठीक है। आपने सुबह सुबह जनरली देखा होगा जो आपकी जितनी भी ग्रासेस हैं, ठीक है, आप जब लॉन के अंदर जाते हैं तो ग्रासेस सुबह सुबह, मतलब ये जो इफेक्टिव होता है मोस्टली नाइट टाइम के अंदर, छोटे प्लांट्स में होता है, ठीक है, कुछ मीटर तक ये प्लांट में पानी ऊपर चढ़ा सकता है। तो मैक्सिमम जो होगा वो ट्रांसपिरेशन पुल ही होगा, ठीक है ना, ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेसिव थ्योरी थी ये। और देखिए आपने सुबह सुबह लॉन के अंदर जैसे ही जाते हैं तो अपने देखते हैं क्या कि जो घास है वो गीली होती है, राइट। तो क्या होता है, अपनी जो लीव्स वगैरह होती हैं, जैसे मान लो ये लीव है, तो इनके जो एंड्स होते हैं यहाँ पे, या फिर मान लो इस तरह की कोई लीफ है, तो देखिए ध्यान देंगे इन पत्तियों के एंड में छोटे 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 क्या होते हैं भाई, स्ट्रोमेटाज होते हैं, वाटर स्ट्रोमेटा जिनको बोलते हैं, वाटर स्ट्रोमेटा। इन वाटर स्ट्रोमेटा का एक और नेम है हाइडेथोड्स,
ठीक है, हाइड्राथोट्स होते हैं। तो इन हाइड्राथोट से क्या होता है, रात के टाइम में ठीक है ट्रांसपिरेशन तो होता नहीं है, तो क्या होता है रूट कुछ प्रेशर लगाती है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, रात के टाइम में ट्रांसपिरेशन हुआ नहीं, फिर भी पत्तियां सुबह सुबह गीली थी या घास गीली थी, तो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा हुआ बारिश तो हुई नहीं है। तो क्या होता है, फिर ये थ्योरी आई कि क्या रूट भी कुछ प्रेशर लगाती है। ठीक है, तो इनकी जो वेन्स होती हैं उन वेन्स से पानी क्या होता है ड्रॉप्स की फॉर्म में यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। देखिए इस तरह से, आपको पता है इस तरह से पत्तियाँ होती हैं, तो इस तरह से यहाँ पे पानी क्या होता है प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होता है, हाइड्राथोट्स होते हैं, वाटर स्टोमेटास होते हैं, ध्यान रखेंगे रूट प्रेशर लगा रही है। अब इस टर्म को क्या बोलते हैं कि इन वाटर रूट प्रेशर की वजह से जो वाटर स्टोमेटास हैं, हाइड्राथोट्स हैं, इनसे वाटर जो है वो ऊपर चढ़ा और इनसे वाटर क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। देखो अब यहाँ तो वेपर की फॉर्म में हो रहा था तो उसको अपने ट्रांसपिरेशन बोल दिया था, राइट, लेकिन यहां पे क्या ही है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, गटेशन। ठीक है, ऐसा नाइट के टाइम में होता है, जनरली मॉर्निंग के टाइम में, राइट, तो गटेशन की प्रोसेस थी होती है। अब ये ध्यान रखेंगे कि अनइंजर्ड पार्ट्स हैं, वाटर स्टोमेटास हाइड्राथोट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये अनइंजर्ड पार्ट है, ध्यान रखेंगे अनइंजर्ड पार्ट से। तो अनइंजर्ड पार्ट से वाटर जो लॉस होता है, ठीक है, वो क्या है आपके गटेशन होता है, ठीक है, पॉइंट सिक्रेशन। और अब ध्यान रखेंगे कई जो होते हैं प्लांट्स उनके अंदर आपने देखा लेटेक्स वगैरह आपने कट लगा देते हैं तो वहां से पानी वाटर लॉस होता रहता है या उससे जूस निकलता रहता है। ठीक है, तो इंजर्ड पार्ट से अगर कोई भी वाटर लॉस हो रहा है तो उसको अपने बोल देते हैं क्या, तो एक चीज आपकी ये हो गई, ठीक है, गटेशन, एक हो गया ट्रांसपिरेशन, और एक टर्म आप याद रखेंगे क्या, इंजर्ड पार्ट से होने वाली जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं क्या, ब्लीडिंग। इंजर्ड पार्ट से, ठीक है, कोई कट वगैरह लगा हुआ है तो वहां से क्या होता है वाटर लॉस होता रहता है, उसे क्या बोलते हैं अपने, ब्लीडिंग बोलते हैं, राइट। तो आप ये तीन टर्म्स यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो आपको एक बात पता चली क्या कि ट्रांसपिरेशन से मैक्सिमम वाटर जो होता है वो अब्सॉर्प्शन किसकी वजह से होता है, पुल जो होता है, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से वाटर ऊपर चढ़ता है, ठीक है, प्लांट्स में। दूसरा है आपका रूट प्रेशर, ठीक है, सुबह सुबह जो पानी निकलता है उसे बोलते हैं गटेशन, और अगर मान लो इंजर्ड पार्ट से निकल रहा है तो उसको बोलते हैं ब्लीडिंग, राइट। चलिए अब देखते हैं ये वाला जो प्रोसेस है, ठीक है, जो लैटरली जो मूव हुआ है ना पानी, देखो लैटरल जो मूव हुआ है उसको देखते हैं, ठीक है। हम मैं क्या कर रहा हूँ आपके थोड़ी सी स्ट्रक्चर बना देते हैं, चलिए सीधे बना देते हैं। ये आपकी जाइलम वेसल है, ठीक है, अंदर वाली, और ये आपका बाहर वाला जो मेन है वो है इस तरह से। अब देखेंगे कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है, ये एब्जॉर्ब होगा। अब देखिए ऊपर तो यहां से जो पानी ऊपर चढ़ेगा उसकी जो अपवर्ड मूवमेंट होगी वो तो क्या होगा आपका, एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। लेकिन यहां से जो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव होंगे, देखो यहां से इस तरह से वाटर क्या होता है एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, और इस तरह से वाटर एब्जॉर्ब होके क्या करता है, या तो सेल टू सेल अंदर जाता है इस तरह से, या फिर इन सेल्स के इंटरसेल्युलर जो स्पेसेस हैं उनके बीच में से मूव करता है,
ठीक है। और देखिए ये जो लेयर है ये होती है आपकी एपिडर्मिस, ठीक है, ये आपका रूट हेयर, ये जो आपका पार्ट है ये है आपका कॉर्टेक्स, यहां पे कॉर्टेक्स की सेल्स हैं, ये जो आपकी है ये एंडोडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस आउटर, कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, और ये जो सेल्स हैं ये वाली, ठीक है, जो आउटर बिल्कुल, ये है आपकी पेरिसाइकिल, ठीक है। और पेरिसाइकिल के अंदर क्या होता है, आपके सारे के सारे जितने भी जाइलम वेसल्स और जाइलम जो आपके टिश्यूज हैं, जाइलम फ्लोएम, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं, जाइलम फ्लोएम्स वगैरह, ठीक है। तो जाइलम जैसे ही क्या होगा, यहां से लेटरली जो पानी है वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, और लेटरल ट्रांसलोकेशन होने के बाद में पानी आपका यहां पहुंचेगा और जाइलम वेसल से ऊपर पुल हो जाएगा, राइट, ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है, राइट। अब ज़्यादा डीप में करने की जरूरत नहीं है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं, यहाँ से कुछ कुछ सेल्स होती हैं, लाइक देखिए पानी सिर्फ ऑलवेज यहाँ से ही जाएगा, ठीक है, कुछ सेल्स के बीच, बाकी सारी तो बंद होती है, कुछ सेल्स के बीच में जाता है, इनको क्या बोलते हैं, पैसेज सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रूट हेयर, रूट हेयर से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस की पैसेज सेल्स, उसके बाद में पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के अंदर जाइलम टिश्यूज के अंदर से, ठीक है। तो ट्रैकेट्स वेसल से होता हुआ कहाँ जाता है, वाटर ऊपर लीव्स तक पहुँच जाता है। अब आपको एक चीज़ पता चली क्या, कि वाटर का जो मूवमेंट है वो ऑलवेज क्या हुआ, जाइलम्स के, जाइलम एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, आपको बताया था, दूसरा क्या है कि रूट से वाटर ऑलवेज क्या जाता है, लीव मतलब, लीव्स मतलब, आप लीफ लिख लो, लीफ मतलब अप, अप जाता है हमेशा, ऑलवेज कहाँ जाता है, अप। तो ये किस तरह का मूवमेंट है भाई, यूनिडायरेक्शनल है ये, ठीक है। तो जाइलम के अंदर ऑलवेज हमेशा वाटर की जो मूवमेंट होती है, मतलब वाटर हमेशा कैसे अब्जॉर्व होगा, वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल मूव करता है, ठीक है। लेकिन फ्लोएम के अंदर क्या होता है, आपको पता है कि जो लीव्स हैं वो जहां पे भी प्रेजेंट होगी वहां से ऊपर भी जा सकता है अदर पार्ट्स तक, और नीचे स्टेम से होता हुआ रूट्स तक भी तो फूड आएगा, ठीक है। तो जो, क्योंकि खाना जो बनता है वो तो लीफ में बनता है, तो लीफ के अंदर जो खाना बना वो ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है, तो वो क्या है, बाई डायरेक्शनल है, मतलब यहाँ ये यूनिडायरेक्शनल होता है फ्लो, और वो मल्टी डायरेक्शनल आप कह सकते हो। चलिए तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। फ्लोएम के अंदर क्या होता है, देखिए फ्लोएम के अंदर जो टिश्यूज होते हैं आपके, वो होते हैं सबसे पहले सीव ट्यूब्स, ठीक है, कंपेनियन सेल्स, आपके जो फ्लोएम फाइबर्स हैं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा है। आपने एक चीज देखी, वहां पे सिर्फ जाइलम के अंदर एक पैरेन्काइमा लिविंग था, बाकी सब डेड थे, ठीक है। और यहां पे देखिए एक, दो और तीन, ये तीनों क्या है, लिविंग है, और एक फाइबर्स क्या है, डेड है, राइट। चलिए ठीक है, अब देखते हैं आपके फ्लोएम के अंदर क्या सिस्टम होता है। एक सिंपल सिंप्लीफाइड डायग्राम उसको बनाते हैं अपने, ठीक है, सिंपल डायग्राम से समझते हैं। ये बीच में सीव ट्यूब्स हैं, ये सीव आपकी जो वेसल्स हैं, और इनके अंदर क्या है, ये आपके, आपकी कंपेनियन सेल्स हैं, राइट। ये आपकी सीव ट्यूब्स हो गई, ठीक है।
तो आपके जितने भी इसके पार्ट्स हैं, चलिए सिंपल डायग्राम समझते हैं। ये फ्लोएम के आपका फ्लोएम टिश्यू मान सकते हैं। अब देखिए, ये आपकी लीफ है, ठीक है, क्या है, लीफ है। अब लीफ के अंदर आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस से क्या बनाएंगे, ये आपका शुगर्स बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक है, मैं सीधा शुगर लिख देता हूँ, शुगर बनाएंगे। अब ध्यान देना कि बेटा फ्लोएम जो होता है वो पैसिव सॉरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, आपको पता है फूड के लिए जो यूज करते हैं टर्म ट्रांसलोकेशन, ठीक है, क्योंकि एक जगह पे बन रहा है प्लांट में ही और उसको मूव करवाया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, ठीक है। अब मान लो इस लीफ के अंदर क्या हुआ, फूड प्रिपेयर हुआ, ठीक है, एक ब्रांच के अंदर एक लीफ लगी हुई थी उसमें फूड प्रिपेयर हुआ। अब यहां से जो भी शुगर, जो जितना भी फूड है वो प्रिपेयर हुआ, तो वो क्या होता है, ध्यान देंगे ये कंपेनियन सेल्स है, ठीक है। अब ध्यान देंगे एटीपी का यूज करके, एटीपी का यूज करके इन जितने भी आपके फूड पार्टिकल्स थे, इन फूड पार्टिकल्स को कहां भर दिया जाता है, आपके सीव ट्यूब्स के अंदर, कहां पे, सीव ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही एटीपी का इस्तेमाल करते हैं, सीव ट्यूब के अंदर फूड को डाला जाता है, यहां पे वाटर भर जाता है इन सेल्स में। अब देखो ये पानी कहां से लेंगे, तो देखिए इसके पैरेलल क्या है आपके, मैं एक बार इसको रफ इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इसके पैरेलल क्या माना जाता है कि आपकी जाइलम जो है, जाइलम जो वेसल्स है वो प्रेजेंट होती है, राइट। तो यहां से आपका ये वाटर है, ये वाटर प्रेजेंट है। तो देखिए जैसे ही क्या होता है, एटीपी का इस्तेमाल किया जाता है और यहां पे आपके फूड पार्टिकल्स को डाला जाता है, इसके ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज होता है, जिसके मतलब पानी अंदर एंटर करेगा, ठीक है। पानी अंदर एंटर करने से क्या होता है, एटीपी का यूज करके, ठीक है, तो वाटर इसके अंदर भरा जाता है, फूड जैसे ही आएगा वाटर इसके अंदर डाला जाएगा, जिससे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, चेंज हो जाता है, राइट। ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा, वाटर अंदर आएगा, वाटर अंदर आने के बाद में क्या होगा, आपके इस एरिया का या इस ट्यूब का प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, फूड आया, फूड आने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज आया, जिसकी वजह से वाटर अंदर एंटर करता है, वाटर अंदर एंटर करने की वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ, और जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होता है वहाँ से जो लो प्रेशर वाले जो रीजन है, जैसे मान लो कि यहाँ पे रूट्स हैं आपकी, ठीक है, तो उन लो वाली जगह पे हाई टू लो क्या होता है, फूड जो आपका है वो मूव करना चालू कर देता है। अब देखिए नीचे भी आ सकता है और ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं उनके अंदर भी चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, लेकिन जाइलम के अंदर सिंगल और इसके अंदर क्या है, ऊपर नीचे दोनों साइड पे, राइट। तो यहाँ पे एटीपी का यूज करके ये सब किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस तरह का ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझे, तो फ्लोएम के थ्रू क्या किया जाता है, फूड को आगे ट्रांसलोकेट किया जाता है जहां पे भी वो बनता है, ठीक है, शुगर्स को। तो ऑलवेज जो फूड होता है वो कैसे मूव करेगा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। चलिए तो ये आपका जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, वो कंप्लीट हो गया, राइट। अब आपका लाइफ प्रोसेस का जो लास्ट टॉपिक रहा है वो है एक्सक्रीशन, ठीक है, जो अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।